पीएसयू नेम्स में मुझे लगता है स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। कुछ पीएसयू नेम्स मीटू करके चल पड़े थे कि एक्स स्टॉक चल गया है तो वाई को भी चलना चाहिए। आई थिंक अब बाजार दिखा रहा है, सीपीएसई इंडेक्स में भी ठीक ठाक करेक्शन आया है। तो मैं कुछ डिफेंस नेम्स देख रहा हूँ वहाँ पे, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ हम एयर डिफेंस सिस्टम के नेम्स हैं जहाँ पे हम, जैसे हमें एचएएल पसंद है। कुछ रेलवे स्टॉक्स में काफी ठीक ठाक करेक्शन आया है, मैं टीटागढ़ काफी अच्छा लगता है। कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स में मुझे लगता है, जैसे आईटीसी में मुझे लगता है ये थोड़ा ओवरहैंग है बैट का, सेल का। अगर ये हो जाता है इस हफ्ते में तो बड़ा ओवरहैंग चला जाएगा, और मैं देखना चाहूंगा कौन इन्वेस्टर्स आते हैं, क्योंकि इवेंचुअल काफी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती है। सिगरेट बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस में आप देखिए 11% का एबिट मार्जिन, बहुत मेहनत लगती है इस फ्रेंचाइज को बनाने में, 10-20 साल लग जाते हैं। आप देखिए एचयूएल इंडिया में लीडर है, वर्ल्ड वाइड पीएनजी है, लेकिन इंडिया में डिस्प्लेस नहीं कर पाया लीवर को पीएनजी। तो टाइम लगता है एफएमसीजी में, और आईटीसी ने वो समय लगा लिया, एक वैल्यूएशन मल्टीपल मिलेगा उसे भी कंज्यूमर कंपनी का किसी किसी समय पे। बैंक्स में मुझे लगता है थोड़ा सा वापसी हो सकती है, एनबीएफसी थोड़ा सा प्रेशर में रह सकते हैं नियर टर्म में। तो ये कुछ पॉकेट्स देख रहे हैं, और कुछ स्मॉल मिड कैप्स हैं अनु, जहां पे मुझे लगता है क्योंकि पूरा मार्केट में करेक्शन आया है तो वो भी थोड़ा बहुत गिर रहे हैं। जैसे कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, संधार टेक्नोलॉजीज है, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पे क्या हो रहा है कि मार्केट क्योंकि करेक्ट हो रहा है स्मॉल मिड कैप में, तो थोड़ा सा रब ऑफ की वजह से पिछले कुछ 2-3 दिनों में 10-20% का करेक्शन। ओके गुरमीत, लार्ज कैप में अगर बात करूं तो एक दो पॉकेट्स में इन आई थिंक डेज ऑफ टर्बुलेंस के बीच में बाजार ने काफ़ी जो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस शो किया है वो है आईटी, और आईटी में टीसीएस आज ऑल टाइम हाई छुआ टीसीएस ने। आई मीन ये अब तक लीडरशिप एचसीएल टेक्नोलॉजीज के हाथ में थी, लार्ज कैप में रहते हैं अभी, आपका व्यू लार्ज कैप आईटी में और टीसीएस को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस प्राइस पर? जब भी थोड़ा भी मार्केट में व्यू जी हलचल होती है, थोड़ा सा डिफेंसिव नेम हो, जैसे आईटी है, एफएमसीजी है, थोड़ा सा फ्लो स्पेसिफिक मूवमेंट होता है। टीसीएस ने वैसे भी लार्ज कैप आईटी में आउट परफॉर्म किया है। आप चाहे मार्जिन्स की बात करिए, डील विंस की बात करिए, अगर आप उनकी वर्टिकल वाइज ब्रेकअप देखेंगे, रेवेन्यू मिक्स काफी बेहतर है इंफोसिस और बाकी लार्ज कैप आईटी के मुकाबले। उनका जो कमेंट्री रहा है बहुत अच्छा रहा है, और एआई रिलेटेड भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पे अच्छी अच्छी न्यूज हमने देखने को मिली है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, फ्री कैश फ्लोज हैं, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, थोड़ा सा डिफेंसिव बेट है। हम आईटी में अभी जो ऐड कर रहे हैं, केपीआईटी ऐड कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि जो जो कार का सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, कार की कॉस्ट का काफी बड़ा हिस्सा होगा, 50-60% होगा अगले 2-3 साल में। तो ये बहुत अच्छा प्ले है। 15-20% का करेक्शन आया है पीक से 17-1800 साल की, अभी भी मेगा स्टॉक है, बट जैसा मैंने बोला साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी है। टाटा टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, और आप एचसीएल की क्योंकि आपने चर्चा करी, उसमें तीन बिजनेस जो है तीनों में अच्छा आउटलुक है। तो आईटी सर्विसेज तो है ही है, ईआरडी में भी है, और प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म में भी लास्ट क्वार्टर उन्होंने थोड़ा सा वो दिखाया। तो मेरी ये तीन पसंदीदा स्टॉक्स रहेंगे आईटी में, और अगर परसिस्टेंट में थोड़ा करेक्शन आता है तो वो भी हमारे रेडार में।